हेलो एवरीवन, यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज का हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, छोटी सी ट्रिक है, उस पर हम सारे क्वेश्चंस 2-3 सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। एक काम करती हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक एग्जाम्पल, उसी से मैं समझा देती हूँ। ये मैंने बनाया मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये लिखे होते हैं। अब सबको ये चीज़ पता है, ये हमारे क्या होते हैं, रोज़ होते हैं, और ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये चीज़ सबको पता है। जब हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो रोज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इधर नंबर्स लिखे आते हैं, अब बीच में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे आते हैं। क्या लिखे होते हैं बीच में, अल्फ़ाबेट्स लिखे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट्स रिपीट भी हो जाते हैं, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ये अल्फ़ाबेट्स है। अब इसमें क्वेश्चन वो पूछता है, बताओ कोड क्या होगा सी का। क्या क्वेश्चन में पूछा, बताओ व्हाट इज द कोड ऑफ सी। क्या करना है, ये हैंड का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम रो का कोड देखते हैं, फिर कॉलम का कोड देखते हैं। अगर मैं इस सी की बात करूं तो ये कौन से रो में, थर्ड रो में, और इस सी की बात करूं कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये इसका क्या हो गया, कोड हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें उसकी क्या देखनी है, रो देखनी है, इधर वाला हमेशा रो। तो इसका शॉर्टकट कैसे ध्यान रख सकते हैं, RC। आर मतलब सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, रो देखेंगे, और फिर हम इसका क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे। ये बात सबको समझ में आई। जैसे पूछ लिया बताओ जी का कोड क्या है, तो जी की रो क्या है, 2, और जी का कॉलम क्या है, 3। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी, RC। सबसे पहले हम रो देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे। सबसे पहले हम रो देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे, और कोड्स का पता करेंगे। हमें पता है रोज ये होती है और ये कॉलम्स होते हैं, सिर्फ यही इसमें कंसेप्ट होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ऑप्शंस का इस्तेमाल करके। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या दिया है, हमें 2 मैट्रिक्स दिए। ये जो है हमारा मैट्रिक्स 1 है, और इधर जो दिया है वो हमारा क्या है, मैट्रिक्स 2। 2 मैट्रिक्स दिए और हम देखते हैं सीरियल नंबर में दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली इधर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बीच में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अब हमें दिख रहा है रिपीटेशन हो रहा है, जैसे आर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी है। तो ये देख के कोई घबराना मत, ईजली हो जाता है। हमने क्या देखा था इसमें शॉर्ट ट्रिक, यही कि हम रो को देखेंगे और कॉलम को देखेंगे। अब हमें इसमें क्वेश्चन दिया है, हमें स्वॉर्ड का निकालना है, कोड्स क्या होंगे, किसका निकालना है, स्वॉर्ड का। सबसे पहली ट्रिक सब जने ध्यान रखें, इसमें हम ऑप्शन से आंसर्स निकालेंगे। क्या होता है, जब हम इधर से वेरीफाई करना चालू करते हैं, जैसे मैंने बोला 40, तो हमें पता है पहला वाला क्या होता है, रो का, दूसरा वाला होता है कॉलम का। तो 4 रो में यहाँ दिख रहा है और कॉलम में कितना है, 0। तो इधर 4, इधर 0, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ओ। तो क्या हमें यह ओ चाहिए, नहीं, हमें एस चाहिए। हम ऐसे करके इसको चेक करते हैं। लेकिन सब लोग एग्जाम में ध्यान रखना, ट्रिक है ये, हमें हमेशा राइट से चालू करना चाहिए। जब भी एग्जाम में मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं हम, तो ऑप्शन से हम आंसर निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, राइट से देखना चालू करेंगे। क्या होता है, वो जब रिपीटेशन देता है ना अल्फाबेट का, तो हमेशा स्टार्टिंग में देता है, पीछे में बहुत कम चांस हो सकता आ जाए, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। हम यहाँ से चेक करना पड़े। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, मतलब रो में हमें क्या, हमें 0, 1 की जगह क्या चाहिए, डी चाहिए। मतलब इधर हमें डी का कोड है, या तो सबसे पहले हम लिख लो, इधर हमें एस का कोड चाहिए, इधर डब्ल्यू का चाहिए, इधर ओ का चाहिए, इधर आर का चाहिए, और इधर डी का चाहिए। लिख लिया 0, 1, मतलब रो में 0 होना चाहिए और कॉलम में 1 होना चाहिए, एस आ रहा है। क्या हमें एस चाहिए यहाँ पे, नहीं चाहिए, डी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा यही गलत हो गया। हम बात करते हैं 7, 9, रो में हमें 7 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ दिखा हमें, और कॉलम में 9 चाहिए, यहाँ पे बात करें तो क्या सी, तो क्या हमें सी चाहिए, नहीं, हमें डी चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पीछे से ही पता पड़ जाएगा। 22,
टू चाहिए रो में, ये रहा, कॉलम में भी टू चाहिए, ये रहा, यहाँ पे ओ आ रहा है, क्या हमें ओ चाहिए? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर लास्ट वाला गलत हो जाता है तो हमें इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते 75, रो में 7 चाहिए, कॉलम में 5 चाहिए, हमें डी क्या करा, मिल गया, तो हमें ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगर आप लोग को फिर भी चेक करना है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आर चाहिए 10, ये रहा आर। फिर हम बात करते थे 22, क्या चाहिए हमें, ओ चाहिए, 2, ये रहा ओ। इधर बात करते 34, 3 और 4, डब्लू, हमें डब्लू मिल गया। 01, 0 रो में 1 कॉलम में एस, तो हमें यहाँ पे स्वॉर्ड के सारे कोड्स मिल गए। ये बात समझ में आई? अगर हम यहाँ से भी चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें ऑप्शंस इतनी जल्दी नेगलेक्ट नहीं होते। जब हम पीछे से करना चालू करते हैं तो 3-4 ऑप्शंस, तो 2-3 ऑप्शंस यूं ही निकल जाते हैं, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। ये बात सबको समझ में आई? अब होता क्या है, अगर यहाँ पे 5th ऑप्शन में दे देती नन ऑफ दीज, तो हमें इसको पूरा चेक करना होता। लेकिन यहाँ पर अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया है तो हम लास्ट वाले कोड को, लास्ट वाले अल्फाबेट के कोड को चेक करके ही डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई? अब हम रिपीटिंग केस की क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि अगर कुछ उस टाइप में क्वेश्चन फंस जाते हैं तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं 2nd क्वेश्चन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में भी हमें वही 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 0 to 9 तक, और इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हमें केयर का कोड निकालना और रस्ट का कोड निकालना है। हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्या देखते हैं हम, आर सी। आर मतलब सबसे पहले हम किसका देखेंगे, रो का देखते हैं और फिर कॉलम का देखते हैं, ये चीज़ हमने देखी। सबसे पहले हम बात करते हैं केयर का कोड। हमें क्या करना है, ऑप्शंस के ऊपर लिख लेना है कि कौन सा किसका कोड है। हमने लिख लिया, ठीक है, कि यहाँ पे सी का आना चाहिए, यहाँ पे ए का आना चाहिए, यहाँ पे आर का आना चाहिए, यहाँ पे ई का आना चाहिए, हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ हमने ये देखी, हम राइट से ऑप्शन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें दिख रहा है सब में हमें क्या लिखा है, 31 लिखा है। इसका मतलब ई का कोड 31 फिक्स्ड है, तो क्या हमें चेक करने की ज़रूरत है? और देखना है तो एक बार देख लो, रो में 3 होना चाहिए, कॉलम में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे ई, तो मतलब सब में, तो अभी हम ऑप्शन कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सब में ई का कोड क्या है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर का कोड। तो आर का कोड अब हमें चेक करना पड़ेगा, 99, क्या आर का कोड है, बिल्कुल है, तो इस ये ऑप्शन हो सकता है। 98, 9 और 8, एस आ रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए, आर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 96, 9 और 6, 9 और 6 में क्या आ रहा है, डब्ल्यू, क्या हमें डब्ल्यू चाहिए, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 98, 9 और 8, क्या आ रहा है, एस आ रहा है। 9 और 8 क्या आ रहा है, एस आ रहा है, क्या यहाँ पर हमें एस चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। और दूसरी बात, ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी 98 है, यहाँ पे भी 98 है, ये एलिमिनेट हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है एलिमिनेट होगा। अब 99, अभी इधर 2, 1 चेक करते हैं, 2 और 1, ए हमें मिल रहा है, 2 और 4, सी हमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और दूसरी बात, जब हम यहाँ पर हमें पता पड़ जाता है ये 3 गलत है, तो हमें इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आया? हम बात करते हैं रस्ट की। अब रस्ट में भी क्या करेंगे, हम राइट से देखना चालू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 56, 5 ये रहा, 6 ये रहा, या फिर हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं आर यू एस टी, मतलब टी आना चाहिए 56 का कोड। 5 और 6, क्या टी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी 5, 6 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 5, 9, 5 और 9, टी आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। 6, 6, 6 और 6, क्या ये ऑप्शन में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए, टी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन हम चेक कर लेते एक और बार, एस का कोड 5, 6, तो 5 और 6 एस आ रहा है। 6, 8, 6 और 8 यू आ रहा है। 9 और 7, 9 और 7 आर आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया।
तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखो, अगर आपको लगता है कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंस आ ही जाएगा। कभी कभी आपको पूरा चेक करना पड़ता है, लेकिन आपके आंसर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा और एक आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। निग्लेक्ट होते जाएंगे, अपने आप जो गलत है वो बाहर आते जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, कोई सी भी बुक उठा के। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लो तो ऑटोमेटिक एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अरे हमारे एमपी पुलिस के भी बैचेस चालू हो गए हैं, जिसको भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी आप एनरोल कराइए। सारे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।